करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। 9 साल की मासूम से दुष्कर्म, खून से लथपथ हालत में छोड़ आरोपी फरार। पुलिस कर्मी ने किया तकरार करता महिला पर दुष्कर्म। नाबालिग युवती का अपहरण कर 6 लोगों ने 5 दिन तक किया गैंगरेप। अब खबरें विस्तार से। राजधानी नई दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। दिल्ली के बादली में एक पड़ोसी ने 9 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। यहाँ तक कि किसी को बताए जाने पर मासूम को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपसी झगड़ों के कारण पति के खिलाफ केस दर्ज करने आई महिला पर पुलिस कर्मी ने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। सोलापुर क्षेत्र के पुलिस थाने में पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले की छानबीन के लिए पुलिस कर्मी ने उस महिला का मोबाइल नंबर लिया, उससे व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगा। एक दिन देर रात महिला का पति घर नहीं था तो मौका देकर उसके घर जाकर पुलिस कर्मी ने पीड़िता से जबरदस्ती महिला ने पति के साथ जाकर पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। कोतवाली स्वार के एक गांव में एक नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ 5 दिन तक गैंगरेप करने की घटना सामने आई है। रेप के बाद किशोरी को आरोपी रोड पर छोड़कर चले गए। किशोरी बदहवास हालत में घर पहुंची तो परिजन उसको कोतवाली लेकर पहुंचे। मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।